आज गुलबर्गा में जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश आंदोला स्वामी की तरफ से हुई थी, उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़, दीगर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने मिलकर और साथ साथ खासकर दलित लीडर्स, खासकर दलित सेना के जो लीडर्स ने एक एकजहती का जो मुजाहरा कर आंदोला स्वामी का जो शैतानी जो ख्वाब था, जो शैतानी मंसूबे थे, उसको आज सब जने मिलकर फेल किए हैं। मैं तमाम गुलबर्गा की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और ख़ासकर दलित लीडर्स, ओबीसी के लीडर्स और लिंगायत के लीडर्स आज जो महबस में एक जगह जमा होकर पूरे एक साथ मिलकर एक वॉइस में एक यूनिटी का जो मुजाहरा किए हैं, काबिले तारीफ हैं सभी लोग, सबको मुबारकबाद। दूसरा बात यह है कि आंदोला स्वामी अब तक बीजेपी गवर्नमेंट को चैलेंज किए, गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किए, उसके बावजूद भी और जो माहौल बिगाड़ने का जो कोशिश करने के बावजूद भी अब तक उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, अब तक प्रिवेंटिव कस्टडी में नहीं उनको लिए, ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताना होगा कि किसके दबाव में अब तक FIR नहीं हुआ, ना तो उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया। क्या चीफ मिनिस्टर बम्बई साहब का दबाव गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है जिसके वजह से आंदोला स्वामी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव कस्टडी में इस तरह का जब भी कोई माहौल होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हो, प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना एक यूजुअल एक्टिविटी होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आंदोला स्वामी को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। घर में बैठकर वो अपने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट मीडिया वालों को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, घर में बैठकर आराम से वो आज दिन भर अपने स्टेटमेंट दिया है। होना तो ये चाहिए था कि आज उसको पुलिस स्टेशन में आज उसको अरेस्ट कर उसकी जो जो नापाक कोशिश है वो आज करने की जो कोशिश कर रहा था, उसको आज जेल में रहना था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश होकर, मूक दर्शक होकर ये सब देख रहे हैं। हमें बहुत बड़ा सवाल आज पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आज उठता है। वो बार बार कहता है कि मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लीडर हूँ बोल के कहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो हिंदुओं के लीडर जो कहते हैं, आप कोरोना के टाइम पे आप कहाँ थे? कोरोना 1, कोरोना 2 जब लॉकडाउन हुआ था आप कहाँ थे? कितने गरीब लोगों को आपने मदद की थी? मुसलमान को छोड़िए, कितने हिंदू गरीबों को आपने मदद की थी हमें बताइए। कितने लोगों को राशन कार्ड दिए थे? कितने लोगों को मेडिकल किट दिए थे? कितने जिनको ऑक्सीजन की सिलेंडर की जब कमी थी, आप कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए थे? कितने लोगों का शव संस्कार किए थे आप हमें बताइए। जब हम आपको बोलेंगे कि आप हिंदू के लीडर हैं, हिंदू गरीबों के लिए आप कुछ नहीं किए, सिर्फ आके भाषण देके मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, किस बुनियाद पर? सिर्फ मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना, इस्लाम का जो कल्चर है उसके ऊपर उंगली उठाना, सिर्फ ये चीज़ करके मैं हिंदू के लीडर हूँ बोले तो जनता इसे मानने वाली नहीं है। खुद हिंदू हमारे भाई हम आपको मानने वाले, आपको हिंदू लीडर तस्लीम करने वाले नहीं है। स्वामी का आप बेस डालकर सोसाइटी को इकट्ठा करने के बदले में, एक यूनाइट करने के बदले में उल्टा सोसाइटी में डिवाइड करने की आपकी जो कोशिश है, ये आज नाकामयाब हुई है। हम देखते हैं सिर्फ 15 से 25 लोग ये जो आंदोला स्वामी को जो करे किया था, जो कॉल किया था कि ऑटो स्टैंड सुपरमार्केट में आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे बोलकर, सिर्फ 20 से 25 लोग उसको सपोर्ट के हैं। लेकिन उसके खिलाफ हजारों लोग आज सुपरमार्केट ऑटो स्टैंड के पास आकर उसको ये बताए हैं कि इसकी ये जो नफ़रत की जो सियासत है, नफ़रत का जो वातावरण क्रिएट करने का जो कोशिश किए थे, आज वो नाकामयाब हुआ है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गुलबर्गा वापस से जीत गया है बोलकर आज का ये जो सुबह से शाम तक जो आज जो हम एपिसोड देखे हैं, ये एक गुलबर्गा की जीत मैं कहता हूँ कि बहुत ही पीसफुल माहौल में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, पूरे जमात के लीडर्स,
पूरे मजहब के लोग आज पूरे जमा होकर पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करते, पीसफुल जमा होकर उसके खिलाफ आज जो जमा हुए हैं, आज गुलबर्गा की जीत ये मैं मानता हूँ। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली उसके ऊपर FIR हो और अरेस्ट हो। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह 3 साल पहले हम लोगों ने आंदोलन चलो कर उसको अरेस्ट करवाया था, वो चीज़ को हमें करने पर मजबूर ना कीजिए। आज हम देखते हैं ईद का माहौल है, बसव जयंती का माहौल है, हर तबका आज अपने घरों में ईद मना, ईद की खुशियाँ भी बरकरार है। उस टाइम पर ये सरपसंद आकर पूरे माहौल को जो बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है, इसको गुलबर्गा की जनता ने नकारा है, कोई भी उसके साथ नहीं है। ये आज गुलबर्गा का क्लियर एक मैसेज गया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ऊपर उठकर उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या कह रहे हैं। गुलबर्गा की जनता ने आज काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, लिंगायत हो, OBC सेक्शन, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों अब तक उसके ऊपर FIR नहीं हुआ है, क्यों अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है, प्रिवेंटिव कस्टडी क्यों नहीं हुई उसकी, ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट को है। और इसके पीछे कौन डिपार्टमेंट को प्रेशर डाल रहा है इसको अरेस्ट नहीं करना बोलकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें मालूम है 1 वीक पहले चीफ मिनिस्टर बोम्मैया साहब ने बेंगलुरु में पूरे ये मठाधीर स्वामी, जो खासकर ये जो काली स्वामी है, ये आंदोला स्वामी है, दीगर वो देखते हैं, वीडियो देखे हैं कि पूरे स्वामी को बिठाकर बोम्मैया साहब ने खिताब किया है, कुछ मीटिंग हुई है। क्या वो मीटिंग का यह नतीजा है जो आंदोला स्वामी आकर गुलबर्गा में जो किया है? ये सबसे बड़ा सवाल चीफ मिनिस्टर बोम्मैया के ऊपर उठता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपकी कुर्सी बचाने के लिए आपका जो PSI का जो स्कैम है, जिसमें 360 पोस्ट आप लोगों ने बेच के खाया, 200 करोड़ का स्कैम है, उसको छुपाने के लिए आंदोला स्वामी को आप लोगों ने सामने रखकर ये चाल चली है, ये सवाल आप लोगों के ऊपर आता है। अब तक हम देखते हैं PSI स्कैम में सिर्फ 10-12 पुलिस लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट किया है। बड़े बड़े जो पॉलिटिकल मुंडीज हैं, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल जो संरक्षण दिए हैं, अब जो PSI स्कैम जो चलाया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, जो MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबका नाम बाहर आना है, उन सबको अरेस्ट करना है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिमांड है कि इमीडिएटली आंदोला स्वामी को FIR करना है और उसको अरेस्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम थोड़े ही दिन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पूरे दूसरे जो एक्टिविस्ट के साथ मिलकर आंदोलन चलो करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाह रहे हैं।